वाक्य कह रहा है हु से जोड़िए, ये भी कह रहा है हु से जोड़िए, ये भी कह रहा है हु से जोड़िए, है क्या ये क्लॉज? ठीक है, ये है क्लॉज। वाक्य है द बॉय वाज अवॉर्डेड, द बॉय लड़का है, वाज अवॉर्डेड मतलब सम्मानित किया गया था, लड़के को सम्मानित किया गया, ही टॉप द क्लास, क्यों सम्मानित किया गया, क्योंकि वह कक्षा क्या थी उसने टॉप किया। वाक्य बन गया द बॉय वाज अवॉर्डेड ही टॉप द क्लास। ठीक है, दो सेंटेंस यहाँ लिखे हुए हैं, एक में लिखा हुआ द बॉय वाज अवॉर्डेड, एक लिखा हुआ ही टॉप द क्लास, और जोड़ना हु से है। हु का नियम क्या कहता है, जो जिसे के उच्चारण में सजीवों के लिए यानी व्यक्तिगत हु का प्रयोग करना है, हु की विशेषता, हु के बाद वर्ब या मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब जैसे द बॉय वाज अवॉर्डेड ऐसा लिखा है और ही टॉप द क्लास, ये जो ही है ये बता दो किसके लिए आया है, किस लड़के के लिए आया, ही इस लड़के के लिए आया है, ही जो है इस लड़के के लिए आया है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ये ही इसके लिए बॉय के लिए आया, अवॉर्डेड और वाच के लिए तो नहीं आया है, नहीं आया है, तो इस ही के स्थान पर ही सी दे इनके स्थान पर ही है सी है दे है इन्हीं के स्थान पर हम किसका प्रयोग करते हैं, हु का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब इसका पहला इसी के लिए आए वो भी पहला हो तो फिर हु का प्रयोग कैसे करना है ये चूज कर लो। देखो सबसे पहले लिख देंगे द बॉय, द बॉय लिख दिया, अब जो हु लगाना है अपने को पता लग गया इस ही के स्थान पर लगाना है, इस ही के स्थान पर लगाना है, तो इसको उठाकर अगर इसका पहला इसके लिए आता हो तो अगर इसका प्रोनाउन यहाँ पर हो तो इसको उठाकर पीछे वाले वाक्य को आगे ले जाना है, तो आगे ले जाएंगे तब यहाँ ही के स्थान पर क्या लगा दिया हु, द बॉय हु, फिर क्या है टॉप्ड द क्लास, द बॉय आगे वाला लिखा, ये देखो यहाँ से पीछे वाला हु लगाकर आगे लगा दिया, और पीछे क्या आगे क्या था वाज अवॉर्डेड, पीछे आ गया वाज अवॉर्डेड। कोई दिक्कत आ रही हो तो बता सकते हो, द बॉय हु टॉप द क्लास, लड़का जिसने कक्षा टॉप की वाज अवॉर्डेड, उसे क्या मिला पुरस्कार मिला, सम्मानित किया गया था, जिसने कक्षा टॉप की थी, तो इस ही हु के स्थान पर, ही के स्थान पर हमने किसका प्रयोग कर दिया, हु क्लॉज का प्रयोग कर दिया जो कि यहाँ लगा हुआ है, देख लो आगे बात में कैसे बदलना है। अब देखो गॉड हेल्प दोज, भगवान उनकी मदद करते हैं, गॉड हेल्प दोज, दे हेल्प, जो देम सेल्फ उन दूसरों की मदद करते हैं, ये है दे। अब अपने को कह रहा जोड़ना किससे है, हु से जोड़ना है, हु जो है ही सी दे इनके स्थान पर काम आता है, ध्यान रखना लगाना है अपने को। ठीक है, ये जो दे आया है क्या भगवान के लिए आया है, नहीं आया, क्यों, क्योंकि ये तो एक वचन है और दे लगता है कब, बहुवचन के साथ, कब लगता है बहुवचन के साथ, इसका मतलब दे जो है इस दोज के लिए आया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर पास में ही इसका प्रयोग, जैसे इसमें पहला इसका पहला एक जैसा था, इसी का काम था तो वहाँ आगे ले गए, लेकिन यहाँ पर अपने को आगे नहीं ले जाना है, गॉड हेल्प दोज, इस दे के स्थान पर ही हु लगा दो, हु हेल्प देम सेल्व्स, कोई दिक्कत है तो बता दो, यहाँ हु लग गया देखो। ठीक है, आगे चलें, द बॉय इज माई ब्रदर, लड़का मेरा ब्रदर है, भाई है, ही इज इन वाइट शर्ट, जो लड़का कौन से शर्ट में है, सफ़ेद शर्ट में है,
यहाँ पर ही आ रहा है। ये ही किसके लिए आ रहा है? आपने पहले कहा जो लड़का मेरा भाई है, इस लड़के के लिए, वो लड़का ही तो वाइट शर्ट में है, उसी के बारे में तो बात कर रहे हैं, इसी के बारे में ही बात कर रहे हैं ना। तो फिर क्या करेंगे? द बॉय लिखा और आगे वाला अभी नहीं लिखना है। इसका पहला उसी के बारे में बात करेगा तो यहाँ पर ही के स्थान पर अपने को क्या लगाना है? हु लगाना है। फिर पीछे क्या है? इज इन वाइट शर्ट लिख दिया, इज इन वाइट शर्ट। देखो हेल्पिंग वर्ब आ गई, हु के बाद वर्ब आ गई, हु के बाद वर्ब आ गई। आगे क्या था? इज माई ब्रदर वाक्य बन गया। द बॉय हु इज इन वाइट शर्ट, लड़का जो सफ़ेद शर्ट में है, इज माई ब्रदर, वह मेरा क्या है? भाई है। इस प्रकार अपने को हु कैसे जोड़ना है इसके बारे में जानकारी होनी आवश्यक है, ये पता होना आवश्यक है कि कैसे जोड़ रहे हैं। जैसे दिस इज सीता, सी इज ए टीचर, यह सीता है और वह टीचर है, मतलब अध्यापक है। दिस इज सीता। तो आपको क्या यहाँ देखना है कि अपने को हु जोड़ना है जो कि ही सी दे इनके स्थान पर आदि के लगाता है। तो यहाँ पर ये जो सी आ रहा है ये किसके लिए आ रहा है? सीता के लिए आ रहा है। या किसके लिए आ रहा है? सी तो लड़कियों के लिए, सीता के लिए स्त्रीलिंग के लिए आएगा, यानी जिसके लिए तो सी का प्रयोग नहीं हो रहा है। तो जब दोनों यहाँ इसका पीछे वाला इसके आगे वाले से जुड़े तब ध्यान रखना है, वाक्य को आगे पीछे नहीं करना है। लेकिन इसमें देखो द बॉय है और इसका पहला ही है, ये ही अवॉर्डेड के लिए नहीं आ रहा है, बॉय के लिए आ रहा है, इसलिए यहाँ पर पीछे वाला वाक्य आगे चला गया। और यहाँ पर आगे नहीं जाएगा, जब वाक्य बनाएंगे तो क्या बनेगा? दिस इज सीता, यह सीता है। इस सी के स्थान पर हु जोड़ दो, हु इज ए टीचर, वह एक क्या है? सीता है, जो एक क्या है? टीचर है, जो का उच्चारण आ रहा है। तो इस प्रकार हु से वाक्यों को बनाना कैसे है ये आज आपने देख लिया कि कैसे वाक्यों को हु से बनाना है, कैसे वाक्यों को हु से जोड़ना है। विशेष बात यही ध्यान रखनी है कि क्लॉज होता है तो बड़ी सावधानी से आपको करना है।